These brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. तो गाइस अभी ये गाड़ी जो है KTM RC 200 दो दिन से बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसका फाइनली थ्रॉटल बॉडी हमको मिल नहीं रहा था, तो थ्रॉटल बॉडी हम नया लेके आए, जस्ट अभी आया मेरे पास सामान। अभी ये पूरा थ्रॉटल बॉडी एकदम नया है, आज इसका थ्रॉटल बॉडी चेंज करने वाला है और इसका टैंक साफ हो गया, टैंक का मोटर भी और टैंक का पाम भी नया है। तो अभी इसका टैंक का जो पाम है ये भी नया ही है, टैंक का पाम, तो ये दोनों लगा के फिर गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में एक्चुअली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है क्या नहीं होता है। ओके, तब तक वीडियो को आप देखते रहिए और एक लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसा ही नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो गाइस फाइनली गाड़ी का नया पाम और नया थ्रॉटल बॉडी दोनों लगा के गाड़ी ऑलमोस्ट देख रहे हो आप ट्यूनिंग पे अभी है, ठीक है, और कोई मैनफेंसर लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गाड़ी नॉर्मल जैसा है, सब कुछ वर्किंग कंडीशन में गाड़ी है। तो अभी हमने इसका क्या किया ना, इसका गाड़ी का चेंज किया पहले पाम, ठीक है, पाम चेंज किया, उसके बाद चेंज किया थ्रॉटल बॉडी। थ्रॉटल बॉडी इसका पुराना वाला जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल बॉडी में एक्चुअली ये पुराना वाला थ्रॉटल बॉडी है। एक्चुअली थ्रॉटल बॉडी में जब भी गाड़ी की नॉक इन प्रॉब्लम हो, किसी अच्छे से KTM वाला टेक्नीशियन को दिखाइए गाड़ी, नहीं तो मेरे को कमेंट करके बताइए या मेरा को मेल करके भी बता सकते हो, मेरे को कॉल करके भी बता सकते हो, गाड़ी में ऐसा नॉकिंग है। अगर मेरा नज़दीक के एरिया में होगा गाड़ी का नॉकिंग प्रॉब्लम तो मैं होम सर्विस भी देता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, अभी देखता रहो गाड़ी का, जब से बंद हो रहा था अभी गाड़ी हो गया 2 मिनट के अंदर स्टार्टिंग। अभी RPM है 18 से 2000 के बीच में इसका RPM रहना चाहिए, जो ऑलमोस्ट अभी 1800 से 2000 के बीच में है इसका RPM। ओके गाइस, तो इसका पूरा एक फाइनली पूरा नया ब्लॉग आने वाला है इस गाड़ी के ऊपर, इसका मैं राइड लूँगा कल सुबह। अभी ये गाड़ी फिट करना है, बहुत कुछ फिट करना है, एयर फिल्टर वगैरह जो भी सामान देख रहा हो RC का, एकदम चकाचक गाड़ी का करना है। और ये गाड़ी का इंजन हुआ है, इंजन साउंड भी देख रहे हो गाड़ी का, आपका पहले का जो मैकेनिक ने इसको काम किया था, इसका सब कुछ बिगाड़ दिए थे गाड़ी को। अभी थ्रॉटल में दे रहा हूँ ऑलमोस्ट, अभी देख रहे हो एकदम पक्का थ्रॉटल है, नो शट डाउन, नो गाड़ी। ओके गाइस, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गाड़ी तक मेरा चैनल पे अगर नया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में। हे गाइस, आप सब कैसे हो? और फाइनली हमारा KTM 200 तैयार हो गया, और मैं आप लोगों को बताया था जो ये गाड़ी तैयार होने के बाद मैं राइड करके दिखाऊंगा। और गाड़ी का लुक देखो, अभी गाड़ी का लुक देखो, और फाइनली गाड़ी का लुक है ऐसा जो आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा सा लुक है। अभी KTM RC 200 ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया। ओके गाइस, तो फाइनली ये गाड़ी में हम टेस्ट ड्राइव करके आपको दिखाएंगे। तो फाइनली इसका जो लॉक है, ये लॉक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, हल्का सा, चलो अभी लग गया। तो क्या है ना, गाड़ी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और मैं आपको राइड करके भी दिखा रहा हूँ गाड़ी। ओके गाइस, चलो मिलते हैं राइड पे। तो गाइस मस्ती ये KTM, तो फाइनली गाड़ी का राइट ले रहा है एक, और गाड़ी देख रहा है एकदम पिकअप पे, फुल पिकअप पे गाड़ी है अभी। तो गाड़ी का पिकअप भी देख रहे हो, बहुत बढ़िया पिकअप है गाड़ी का, राइड भी बहुत मस्त ले रहा है गाड़ी, पिकअप एकदम सब ठीक है गाड़ी में। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग आप लोगों को इतना ही आपका ब्लॉग है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइए यार, गाड़ी में प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को गाड़ी में KTM से कुछ भी प्रॉब्लम, एवरीथिंग
तो आप लोग कमेंट करके बताइए या मेल करें, जो भी करें। बस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक आप